Hello, Class 8th. A very warm welcome to our channel. We are doing your chapter, The Circulatory System. इसमें हम first three lectures कर चुके हैं. हमने ये पढ़ लिया कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन सी वेसल्स हैं जो ब्लड को कन्वे करती हैं, हार्ट में हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने चेंबर्स होते हैं, हाउ डू दे फंक्शन, वो सब हम पढ़ चुके हैं. नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वर्किंग ऑफ द हार्ट. हार्ट काम कैसे करता है, कैसे ब्लड फ्लो होता है, कौन से वाल्व्स ओपन होते हैं, कौन से क्लोज होते हैं, कौन सा वाला जो चेंबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन सा एक्सपैंड होता है, कैसे होता है, ये सब ये हम पढ़ने वाले हैं. हालांकि ये वही है जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसी का थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं है आपको प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो. ओके, नाउ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, हाउ डज द हार्ट वर्क. तो हमें ये पता है कि हार्ट की जो बेसिक वर्किंग है तो दैट इज बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स. हमारे जो चेंबर्स हैं, जो दो ऑरिकल्स हैं ऊपर, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑरिकल्स रिलैक्स करते हैं. ये ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है चेंबर्स का, ये हमारे जो हार्ट है उसकी हार्ट की वर्किंग को, हार्ट की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. रेगुलेट तो नहीं कहूँगी, हार्ट की वर्किंग मतलब इसी को हार्ट की वर्किंग कहते हैं कि हार्ट इज फंक्शनिंग वेरी वेल. दोनों ऑरिकल्स हमेशा इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इकट्ठे रिलैक्स होते हैं, और दोनों वेंट्रिकल्स हमेशा इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इकट्ठे रिलैक्स होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा. अब देखिए यहाँ पे, अच्छा जो आपको मैंने समझाया था ना, मैंने तो बड़ा सिंपल सा एक डायग्रामेटिक व्यू लेके समझाया था, लेकिन आपको हार्ट का जब डायग्राम आएगा ना लेबलिंग करने के लिए, तो वो इसी तरीके का डायग्राम आएगा, इसी तरीके का आएगा. तो आपको ना ये सब ध्यान रखना है कि ये क्या क्या हैं, ठीक है. एक्चुअली ये वाला जो डायग्राम है ना, मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा कलरफुल है कि मैं इसमें और कलर्स यूज़ करती हूँ तो और ज़्यादा ये कलरफुल हो जाता है. नहीं तो देखो ये क्या है, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. जैसे ये तो एओर्टा है, आपको पता है ये एओर्टा है, हमारी बिगेस्ट आर्टरी है. ये निकलती कहाँ से, देखो ये ना, ये जो पोर्शन है यहाँ से, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से निकल रही है. ये क्या है, ये दूसरा कलर लेती हूँ. अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें, ये वैल्व हो गए, तो ये जो पोर्शन है ये है आपका क्या है, राइट सॉरी लेफ्ट ऑरिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल. ऐसे ही यहाँ पे जो पोर्शन है ये है आपका राइट एट्रियम और ये है आपका राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में ये वैल्व्स हैं, ठीक है. और यहाँ पे ये जो वैल्व्स हैं ये क्या ओपन कर रहे हैं, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है लंग्स में, उसको शो कर रहे हैं. ये पल्मरी आर्टरी है, ठीक है. ये कहाँ जा रही है, ये लंग्स में जा रही है. तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगेंगी, इसीलिए आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको यही डायग्राम आएगा एग्जाम में. और ये जो दो दिख रही है ना, ये आपको येलो जो दिखा रखा है येलो एरोस से, ये क्या है, दीज आर दी पल्मोनरी वेन्स. ये पल्मोनरी वेन्स हैं जो लंग्स से निकल रही हैं और कहाँ जा रही हैं, ये राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम में जाएंगी, प्योर ब्लड पोर करेंगी. मैंने बताया ना चार पल्मोनरी वेन्स होती हैं, दोनों लंग से दो दो निकलती हैं, राइट लंग से दो पल्मोनरी वेन और लेफ्ट लंग से दो पल्मोनरी वेन, और चारों की चारों जाके जो प्योर ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ पोर करती हैं, लेफ्ट ऑरिकल में. तो देखो दो ये हो गई और दो ये आ रही हैं, ये सारी की सारी आके लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड पोर करती हूँ, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है वाया दी बाइकस्पिड वेल्व. तो ये आप पढ़ चुके हैं, अब हम देख रहे हैं कि कैसे होता है, कब का कौन सा वाला खुलता है. यहाँ पे भी यही चीज़ दिखा रखी है, ठीक है. ओके नाउ अब हम देखते हैं क्या है द राइट. अब इन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि राइट एट्रियम जो है, इट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाया दी सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा. राइट एट्रियम को ब्लड मिल रहा है. देखो मैं फिर से वही वाला अपना एक सिंपल सा आपको डायग्राम बना रही हूँ, और सिंपल सा डायग्राम बना के आप देखो, क्योंकि अगर हम हार्ट के डायग्राम में ये पढ़ते हैं ना तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो हमें एक सिंपल पहले डायग्रामेटिक स्टडी करनी चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए, एंड देन यू गो फॉर प्रॉपर डायग्राम जो हार्ट का होता है उसमें, ठीक है. मैं दोबारा से ये बना रही हूँ, एक स्क्वायर बना रही हूँ. ये हार्ट के चेम्बर्स हो गए, ठीक है. और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये लंग्स हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये आप मान लीजिए आपके बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हो गए आपके लंग्स,
ये हो गया आपका राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स हो गए, ठीक है, जहाँ से कि इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आएगा। और यहाँ पे अपर बॉडी पार्ट्स हो गए, यहाँ से भी आएगा ब्लड, ये अपर बॉडी पार्ट्स हो गए, ये सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा ब्लड यहाँ पे। अच्छा, अब सबसे पहला जो पॉइंट है, एक सिरे से स्टार्ट करो, या तो आप ब्लड निकल रहा है हार्ट में से वहाँ से स्टार्ट करो, या ब्लड एंटर कर रहा है हार्ट में वहाँ से स्टार्ट करो, कोई भी एक स्टेप ले लीजिए। तो हमने जो आपकी बुक में दे रखा है उसके हिसाब से करते हैं कि ब्लड जो है वो हार्ट में एंटर कर रहा है। एंटर कर रहा है इसका मतलब वो ब्लड कैसा है, इम्प्योर ब्लड है। बहुत ध्यान से, आराम से, तसल्ली से इस लेसन को, आप इस लेक्चर को सुनिए, आई एम वेरी श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बस ध्यान से, थोड़ी सी पेशेंस से सुनो, डोंट बी इन रश कि हम आगे इसको बढ़ा दें और ये स्लो है। एक बार ध्यान से सुन लो, उसके बाद दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो ठीक है, एक बार देखते हैं। तो अपर अपर बॉडी पार्ट से जो हमारा इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आता है, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू आता है, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, अपर पार्ट से, मतलब आपका हेड हो गया, अपर हैंड्स हो गए, शोल्डर्स हो गए, यहाँ से चेस्ट से, ये कहाँ आया, राइट ऑरिकल में, किसके थ्रू आया है, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। लोअर बॉडी पार्ट से भी इम्प्योर ब्लड आता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये भी राइट ऑरिकल में एंटर करता है, और ये किसके थ्रू आ रहा है, हमारी जो दूसरी बड़ी सी क्या है, वेन है, दैट इज़ योर इन्फीरियर वेना। ये इसमें कैसे आता है वो सब डिटेल्स आप क्लास टेंथ में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ जो बेसिक्स हैं वही कर रहे हैं। तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ऊपर से आ गया, इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू लोअर बॉडी पार्ट से आ गया, और उन दोनों ने अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कलेक्टिवली पोर कर दिया राइट ऑरिकल में, ठीक है। अब राइट ऑरिकल में आ गया, कैसा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब अभी हम सिर्फ यही बात करें, हालांकि इन्होंने दे रखा है कि साइमल्टेनियसली लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स, जब यहाँ पे ब्लड आया है, क्योंकि अब देखो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि दोनों ऑरिकल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इकट्ठे एक्सपेंड करते हैं, ऐसे दोनों वेंट्रिकल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इकट्ठे एक्सपेंड करते हैं। तो हमने राइट ऑरिकल में ब्लड दिया है तो वो क्या करेगा, एक्सपैंड है, तभी तो ब्लड आया उसके अंदर, एक्सपैंडेड है, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल को भी एक्सपैंडेड होना चाहिए, अब लेफ्ट ऑरिकल भी हमारा एक्सपैंडेड है, इसका मतलब उसके अंदर भी ब्लड आया है, तो उसके अंदर ब्लड कहाँ से आएगा, उसके अंदर ब्लड आएगा लंग्स के थ्रू, ठीक है, लंग्स के थ्रू आएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, चार पल्मोनरी वेन, टू फ्रॉम ईच लंग, दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दे एंटर द लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। जैसे ही राइट ऑरिकल में ब्लड पोर किया है हमारे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा में, वेना कावा ने, ऐसे ही सिमिलर साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम लंग से जो हमारी पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, वो ब्लड को पोर कर देती हैं कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में। तो अब दोनों ऑरिकल्स जो हैं वो एक्सपेंडेड हैं, दोनों में दोनों ने ब्लड रिसीव कर लिया है, क्लियर। हालांकि एक ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया है, दूसरे ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया है। आपको ये स्टेप आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रिया दोनों, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के जो बीच में वैल्व है, कौन सा वैल्व है, ट्राइकस्पिड वैल्व। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वैल्व है, बाइकस्पिड वैल्व। अब जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्व्स खुल जाएंगे और ब्लड जो है वो उस रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में एंटर कर जाएगा, मतलब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। किसके थ्रू होगा वो आपको समझ में आ गया, ये जो है, दोबारा से मैं एक कलर से दिखा देती हूँ, ये जो है ये आपका क्या है, ये है आपका ट्राइकस्पिड वैल्व, और ये जो है ये क्या है, बाइकस्पिड वैल्व, ठीक है। अब ये ब्लड आ गया यहाँ से जो आया राइट ऑरिकल से, जो राइट वेंट्रिकल में है वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आया है वो कैसा ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये हो गया, अब ये वाला स्टेप भी हमारा हो गया। अब क्या होगा, अब जब ये वेंट्रिकल्स में पूरी तरह से ब्लड आ गया, वेंट्रिकल्स जो हैं हमारे ब्लड से फिल्ड अप हो गए, वेंट्रिकल्स में ब्लड आ चुका है, अब क्या होगा, ये जो वाल्व्स थे ये क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे,
When the ventricles get completely filled with the tricuspid and bicuspid valve close with a sound. ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी हार्ट की साउंड आपने पढ़ी है सुनी है लब डब साउंड हम कहते हैं कि लब डब साउंड प्रोड्यूस करता है हार्ट तो ये जो लब डब साउंड है ये प्रोड्यूस होती है तो पहली साउंड जो है लब साउंड ये प्रोड्यूस हो गई जब ये दोनों वाल्व्स क्लोज हो गए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे जैसे ही सारा ब्लड जो है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में एंटर कर जाएगा ठीक है तो ये अब जब ये वाल्व्स क्लोज हो गए तो अभी वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया है वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद ब्लड अब वेंट्रिकल्स को ब्लड को निकालना है वेंट्रिकल्स ब्लड को कहाँ निकालते हैं कहाँ निकालेंगे या यहाँ से ब्लड निकल के कहाँ जाएगा राइट वेंट्रिकल से निकल के कहाँ जाएगा राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है कैसा ब्लड है इम्प्योर ब्लड है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसको कहाँ जाना चाहिए इसको प्योरिफिकेशन के लिए जाना है तो ये कहाँ जाएगा निकल के ये जाएगा लंग्स के अंदर ठीक है राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के जाता है लंग्स के अंदर किसके वाया वाया पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से निकला और कहाँ पहुँच गया लंग्स के अंदर पहुँच गया तो ये जो ओपनिंग है दूसरे कलर से दिखाती हूँ किस कलर से दिखाई जाए पर्पल से ये जो ओपनिंग है राइट वेंट्रिकल और इसके बीच में ब्लैक यूज करते हैं पर्पल तो नजर ही नहीं आ रहा ओके ये जो ओपनिंग है नाउ दिस इज गार्डेड बाय थ्री पॉकेट शेप्ड वाल्व्स सेमी ल्यूनर वाल्व्स जिनको हम क्या बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व्स ठीक है तो ये सेमी ल्यूनर वाल्व्स ओपन हो गए और ब्लड यहाँ पे चला गया ऐसे ही तीन पॉकेट शेप्ड सेमी ल्यूनर वाल्व्स यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं जहाँ पे कि लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स आउट इनटू विच वेसल लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है वो किस वेसल के थ्रू जाता है कहाँ जाता है एओर्टा में एओर्टा में जाएगा और एओर्टा जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है ऊपर भी और नीचे भी तो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा की ओपनिंग को जो गार्ड कर रहे हैं वो भी तीन पॉकेट शेप्ड सेमी ल्यूनर वाल्व्स हैं दे आर नोन एज दी एओर्टिक वाल्व्स और वो भी ओपन हो गए मतलब जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गए तो ये वाला वाल्व और ये वाला वाल्व ओपन हो गया और दोनों वेंट्रिकल से ब्लड निकल के अपने रिस्पेक्टिव आर्टरीज में चला गया दोनों आर्टरीज में गया है ये ध्यान रखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से तो एओर्टा में गया है हमारी बिगेस्ट आर्टरी जो है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है प्योर ब्लड गया है और राइट वेंट्रिकल से निकल के गया है पल्मोनरी आर्टरी में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लंग्स में गया है प्योर होने के लिए प्योरीफाई होने के लिए ठीक है तो ये हो गया अब ये वही चीज़ बता रहे हैं कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला गया पल्मोनरी आर्टरी इज ट्रांसपोर्टिंग दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स और लंग्स में ऑक्सीजन एंटर करती है और ऑक्सीजन ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होता है CO2 इज गिवन आउट एंड ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है ठीक है इसी समय लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जब ये सब हो रहा है राइट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल भी उसी समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द एओर्टा एओर्टा ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स ऊपर और नीचे सब जगह वो ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड मूव्स विद हाई प्रेशर बिकॉज इट हैज़ टू रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी जब वेंट्रिकल से निकलता है तो सेमी ल्यूनर वाल्व्स एक साउंड के साथ क्लोज होते हैं जिसको हम बोलते हैं डब साउंड तो लब डब साउंड ये हो गई पहली जो साउंड थी वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई थी जबकि आपके जो मित्र बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स थे वो क्लोज हुए थे तब पहली साउंड प्रोड्यूस हुई थी दूसरी साउंड जो प्रोड्यूस हुई है वो क्यों प्रोड्यूस हुई है जबकि सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो दोनों वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट हैं वेंट्रिकल्स के ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रही है पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जा रहा है उस वहाँ पे प्रेजेंट है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा रहा है वहाँ पे उस ओपनिंग को गार्ड करें वो सेमी ल्यूनर वाल्व्स है वो क्लोज होते हैं तो सेकेंड साउंड आपको सुनाई देती है नाउ ये हो गया अब चेंबर्स ऑफ द हार्ट जब ये रिलैक्स करते ये एक इन्होंने एक एडिशनल आपको इन्फो दे रखी है कि जब चेंबर्स रिलैक्स करते हैं तो दे गेट फिल्ड विद ब्लड और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ब्लड को उनमें से निकाल देते हैं ऑब्वियस सी बात है बलून है बलून जब रिलैक्स पोजिशन में होगा तो फिल अप हो जाएगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें से फ्लूड जो भी होगा वो ऊज आउट हो जाएगा सिमिलरली विद हार्ट
Now both the atria contract and relax together. Similarly, both the ventricles contract and relax together. ये आपको पता है कि दोनों एट्रियम इकट्ठे contract करते हैं, इकट्ठे relax करते हैं. Similarly with the ventricles, इकट्ठे contract करते हैं और इकट्ठे ही relax करते हैं. Then another thing is contraction of the atria is followed by the contraction of the ventricles. Obviously. एंड वाइस वर्सा, मतलब पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड वो वेंट्रिकल्स में पोर करते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ब्लड अपनी रेस्पेक्टिव आर्टरीज में दे देते हैं. ये साइकिल चलती रहती है. सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन आर हार्ट अकर्स इन अ रिदमिक मैनर एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर हार्ट बीट. हमारी जो लाइफ लाइन है, हार्ट बीट है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इज डबल सर्कुलेशन. हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसमें डबल सर्कुलेशन होता है. डबल सर्कुलेशन का मतलब ये हो गया कि एक हार्ट बीट जो है हमारी, ये हार्ट बीट क्या है, हार्ट बीट आपने कैलकुलेट की होगी सबने अपनी आर्टरी से, तो हार्ट बीट्स अराउंड 70 to 80 टाइम्स पर मिनट, है ना. ये हार्ट बीट सबने कैलकुलेट कर रखी होगी अपनी, सब बच्चे करते ही हैं. तो ये जो एक सर्कुलेशन है जो इसमें, जिसमें कि आपको इतनी सारी बीट्स सुनाई दे रही हैं, मतलब एक बार जब हमारा ब्लड एंटर किया हार्ट में एक साइकिल में, तो वो दो बार एंटर करता है, दो बार निकलता है. कैसे निकलता है, एक सर्कुलेशन में दो बार, ट्वाइस. कैसे निकलता है मैं आपको अभी बताती हूँ. इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, जिसमें कि पल्मोनरी सर्कुलेशन एक है जो कि हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन विच इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द बॉडी एंड द हार्ट, बॉडी पार्ट्स एंड द हार्ट, मतलब लंग्स के अलावा जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में बात हो रही है. अब मैं आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो हमारी डबल सर्कुलेशन होती है, हम इसको क्यों डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ये क्या होती है. ठीक है, ये वही डायग्राम है, मैंने थोड़ा सा रफ बनाया था, इन्होंने और थोड़ा सा इसको देखिए बना रखा है. अब देखो क्या है, ये हमारा हार्ट हो गया, हार्ट के चार चेम्बर इन्होंने दिखा रखे हैं. ये क्या है आपका, इसकी थोड़ी सी मैं टिप ना पतली कर लेती हूँ ताकि मैं लिख सकूँ, नहीं तो बहुत थिक हो जाती है. ये क्या है आपका, ये है आपका राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. लेबलिंग हो रखी है लेकिन फिर भी मैंने वहीं चेम्बर में लिख दिया है. अब देखो ऊपर लंग्स बना रखे हैं, ठीक है, और नीचे इन्होंने ये बॉडी ऑर्गन्स, ये जो पूरा है ये बॉडी ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेरियस ऑर्गन्स में जो आर्टीरियल ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एंटर कर रहा है और फिर निकल के जा रहा है, तो वो वीनस ब्लड हो जाता है, या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम वीनस ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम आर्टीरियल ब्लड भी बोलते हैं, मतलब प्योर ब्लड, रिच ऑफ रिच इन ऑक्सीजन, एंड वीनस इज इम्प्योर, दैट इज रिच इन CO2. नाउ डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं ये सुनिए. देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि लंग्स से ब्लड आ रहा है, लंग्स में ऑक्सीजन है तो ब्लड प्योरीफाई हो गया या ऑक्सीजनेट हो गया. उसके बाद वो पल्मोनरी वेन के थ्रू देखिए कहाँ आ रहा है, हमारे लेफ्ट ऑरिकल में एंटर कर गया. अब आ गया, एक बार एंटर कर गया ब्लड, ठीक है. अभी हमारी एक ही साइकिल चलेगी, कार्डियक साइकिल, उसकी बात करें हम, ब्लड एंटर कर गया. अब यहाँ से ब्लड आया और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया थ्रू दी बाइकस्पिड वाल्व. अब फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, इसको एओर्टा के थ्रू पंप कर दिया, ये एओर्टा के थ्रू पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचा दिया. तो ब्लड एक बार हार्ट में एंटर हुआ और एक बार निकल गया, ये लेफ्ट साइड में हुआ सारा काम. लेफ्ट साइड में ही एंटर हुआ, कहाँ से एंटर हुआ, लंग से एंटर हुआ, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमिलूनर वाल्व्स के थ्रू एओर्टा में गया, एओर्टिक वाल्व्स के थ्रू, और फिर एओर्टा ने पूरी बॉडी में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया. मतलब हार्ट एक बार, ब्लड जो है वो एक बार हार्ट में एंटर हो गया है और एक बार निकल गया, ठीक है, ये आधी सर्कुलेशन होगी. अब पूरी बॉडी ने उस ब्लड को यूज़ किया, उसके ऑक्सीजन को यूज़ अप किया, CO2 दी. अब वो जो हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखिए ये जो हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये क्या होगा, अब ये एंटर करेगा, कहाँ एंटर करेगा, वापस से हार्ट में एंटर कर रहा है. तो ये हार्ट में देखो कहाँ पर एंटर कर रहा है, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में एंटर करेगा किसके थ्रू, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू. सुपीरियर वेना कावा ऊपर से आएगी, इन्फीरियर वेना कावा नीचे से आएगी, इन दोनों से मिला के राइट ऑरिकल में जो ब्लड एंटर करेगा वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. तो अब हमारी एक साइकिल पूरी नहीं हुई है और ब्लड दोबारा से हार्ट में एंटर कर गया है.
अब फिर यहाँ से जाएगा, ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व्स। अब राइट वेंट्रिकल में आया ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा प्योरीफाई होने के लिए। तो ये यहाँ से निकल गया, यहाँ पहुँच गया लंग्स में वापस पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी की जो ओपनिंग है, इट इज़ गार्डेड बाय अगेन थ्री पॉकेट शेप सेमिलूनर वाल्व्स विच आर नोन एज दी पल्मनरी वाल्व्स। तो अब आप देखिए, एक कार्डियक साइकिल में ब्लड पहले यहाँ से हार्ट में एंटर हुआ, यहाँ गया, फिर निकल गया, फिर दोबारा से एंटर हुआ, फिर निकल गया, फिर लंग्स में पहुंचा। तो ये डबल सर्कुलेशन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पल्मनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन, दो सर्कुलेशन इसमें इन्वॉल्व है। पल्मनरी सर्कुलेशन क्या होती है, पल्मनरी सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि लंग्स से ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ये वाला जो है, इस वाले एरिया को हम पल्मनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, और ये जो हमारी हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। सो दिस इज़ योर डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपकी थ्योरी में क्या दे रखा है। ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। ब्लड फ्लोज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, गेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न्स टू द एट्रियम वाया द पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये हो गया। अब सिस्टमिक बॉडी सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द अदर बॉडी ऑर्गन्स। ब्लड फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाया एओर्टा एंड रिटर्न्स द डीऑक्सीजन एंड रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट वाया द वेना कावा। ठीक है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल टू द, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वाया एओर्टा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ब्लड फ्लोज राइट वेंट्रिकल से, ये भी ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, अगर हो तो आप मुझे बताइएगा। ओके, नाउ ये जो हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स ही डबल सर्कुलेशन है, हमें तो बहुत आसानी से समझ में आ गई, तो इसको डिस्कवर किसने किया था, ही वॉज एन इंग्लिश डॉक्टर विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इन्होंने बताया था कि ब्लड कैसे फ्लो करता है, एंड दैट ऑल्सो इन 17th century, अर्ली 17th century, 1628 में। चिल्ड्रन, जब हम पढ़ते थे ना, तो हमें ये लगता था कि अरे यार, ये इन साइंटिस्ट का नाम क्यों याद करवा रहे हैं हमसे, हमें पहले इतने टॉर्चर कर रखा है, इतनी सारी थ्योरी याद करनी है, नोट्स बनाने हैं, डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं, उसके अलावा इन साइंटिस्ट का नाम भी याद करवा रहे हैं ना। आई डोंट नो वेदर यू ऑल्सो हैव द सेम फीलिंग, बट प्लीज़ डोंट थिंक इन दिस मैनर। क्योंकि देखिए, आप ये देखिए कि ये साइंटिस्ट जो है, हम इनको क्यों रिकग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो, आज की डेट में हमारा साइंस बहुत डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है, वी गॉट सो मेनी वंडरफुल मशीन्स जो कि हमारे हर चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत सारी हेल्प है हमारे पास, है ना। कंप्यूटर की अब तो 5G भी 6G आ रहा है, तो वी आर लिविंग इन अ वेरी वेरी अल्ट्रा मॉडर्न एरा। ये लोग जब थे, उस समय टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, उस समय पे ये सारी चीज़ें डिस्कवर करना, जबकि ना एक्सरे था ना कुछ और था, तो उस समय पे ये सारी चीज़ें डिस्कवर करना, इट इज़ रियली वंडरफुल थिंग। मतलब देयर ब्रेन्स वर रियली वंडरफुल, दे कुड इमेजिन ऑल दीज थिंग्स, कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, एंड दे कुड प्रिडिक्ट इट विद सो मच कॉन्फिडेंस कि नहीं, यही होता है, and they treated patients accordingly. So we should give due credit to these scientists. Okay, आगे चलते हैं। हार्ट बीट। अब हार्ट बीट क्या होती है, जो कि हमने देखा कि मसल्स, जो हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं, जो वॉल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, दे डू इट इन अ पर्टिकुलर रिदमिक मैनर, तो उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। तो मसल्स ऑफ द हार्ट, ऑफ द मसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द चेंबर्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ रिदमिक मैनर। क्लोजर ऑफ जो हमारे जो वाल्व्स होते हैं, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं, उनको हम एवी वाल्व्स बोल रहे हैं। एवी वाल्व्स का मतलब हो गया, क्योंकि ये ना एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो एवी वाल्व्स का मतलब हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्लोज हो जाते हैं, ताकि ब्लड जो वेंट्रिकल्स में चला गया वो वापस ना आ पाए। एंड सेमिलूनर वाल्व्स कब क्लोज होते हैं, जबकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में ब्लड देता है, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड देता है, तब वो क्लोज हो जाते हैं। तो
ये जो एट्रिया सॉरी एवी वेल्स और वेन सेमीलुनर वेल्स का जो क्लोजर है, उसकी जो साउंड है, वो लब डब साउंड जो है वो क्या है, वो एक हार्ट एक साउंड प्रोड्यूस करती है, एंड दिस साउंड इज कॉल्ड द हार्ट बीट. एवरेज हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन वाइल्ड रेस्टिंग, जब कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब एग्जर्ट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो 70 to 80 पर मिनट होती है. और जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं लाइक रनिंग और साइकिलिंग, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. जब हम एक्साइटेड होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं या इमोशनली एक्साइट हो जाते हैं, तब भी हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, यू विल फील योर हार्ट बीट. मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में आपको हार्ट बीट क्यों फील होती है, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो टिप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. इसलिए अ डॉक्टर लिसन्स टू योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, हमने इसको किसके साथ खेला भी है. डॉक्टर डॉक्टर आपने अपने घर में खेला होगा, तो स्टेथोस्कोप तो सब बच्चों ने यूज़ किया ही होगा, है ना. अब डॉक्टर को हमारी अगर हार्ट में कोई इशू है, तो उस हमारी हार्ट बीट की जो कंडीशन है, मतलब हार्ट बीट रेगुलर है या इरेगुलर है, किस स्पीड में बीट कर रहा है हार्ट, उसके हिसाब से पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है. जैसे कि अगर हायर बहुत फास्ट हार्ट बीट कर रहा है, तो इसका मतलब हाइपरटेंशन है या फीवर है. लोअर हार्ट बीट का मतलब पुअर हेल्थ है, लो बीपी है. पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट जो है हम यहाँ से ना, हमारी जो रेडियल आर्टरी है, यहाँ से हम फील करते हैं अपनी हार्ट बीट को. जो लब डब है, हमें साउंड यहाँ से फील होती है. हम इसको काउंट करते हैं, 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है हार्ट, 72 to 80 टाइम्स हमने जो अभी पढ़ा, तो दैट इज़ नोन एज अ पल्स रेट. मतलब 1 मिनट में कितना बीट करता है हमारा हार्ट, दैट इज़ पल्स रेट. तो ब्लड एंटर्स द आर्टरीज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. द सडन इनफ्लो ऑफ ब्लड एट हाई प्रेशर कॉजेज द एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज. दिस कैन बी फेल्ट एज अ थ्रॉबिंग. थ्रॉबिंग फील होती है ना, ऐसे आपको फील होता है. एंड द आर्टरीज जो हमारी स्किन के पास होती है ना, जो अपर सर्फेस पे, ज़्यादा डीप सीटेड नहीं है, वहाँ पर हमें पल्स बहुत ईजिली फील होती है. जैसे कि रेडियल आर्टरी है आपकी, टेम्पल वाली आर्टरी यहाँ पे है ना, नेक में फील होती है, और जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पर बहुत जल्दी फील होती है. यू कैन फील योर पल्स एट सम प्लेसेज इन योर बॉडी लाइक इन अ रिस्ट, टेम्पल. टेम्पल मीन्स ये जो कनपट्टी जो होती है, इधर साइड ऑफ द फोरहेड एंड द साइड ऑफ द नेक, यहाँ पे आपको आपकी हार्ट बीट बहुत ईजिली फील होती है. अ रेस्टिंग पर्सन यूजली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 70 to 80 बीट्स पर मिनट, और ये इंक्रीज हो जाता है जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं लाइक साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, या फिर हम इमोशनली एक्साइट होते हैं, तब भी ये इमोशनल एक्साइटमेंट भी हमारी जो ये है हार्ट बीट इसको इंक्रीज करता है. शॉक, इमोशनल एक्साइटमेंट में शॉक भी आता है. ठीक है, अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या है? जब ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी आर्टरीज में, तो वो आर्टरीज की वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करता है, स्पर्ट्स से फ्लो करता है ना, तो इट एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज. दिस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. इसको हम मेजर करते हैं, इट इज़ 120/80. दो रीडिंग्स होती हैं, मतलब दो, क्योंकि हमारा हार्ट क्या करता है, एक बार एक्सपेंड करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो इसीलिए दो रीडिंग हैं, जिनको हम बोलते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल. सिस्टोलिक रीडिंग एंड डायस्टोलिक, या डायस्टोलिक रीडिंग एंड सिस्टोलिक रीडिंग. ठीक है, इट इज़ 120 to 80 mm ऑफ HG. इट इज़ मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल स्फाइग्मोमैनोमीटर. ये वर्ड टर्म याद कर लीजिएगा, ये फिलिप्स में आती है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम हमारी हार्ट बीट को, या ब्लड प्रेशर को, सॉरी हार्ट बीट को मेजर करते हैं. वो तो स्टेथोस्कोप हो गया पल्स को मेजर करने के लिए, और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फाइग्मोमैनोमीटर हो गया. ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपने सबने देखा होगा. अब हमारी आ गई एक्सरसाइज. लेबल द डायग्राम ऑफ द हार्ट करेक्टली. अब देखो, आपको मैंने बोला ना कि ऐसा ही डायग्राम आएगा एग्जाम में लेबलिंग करने के लिए, बहुत ध्यान से लेबलिंग करनी है. इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये क्या है, मैं अभी इरेज कर दूंगी. अच्छा, इसकी टिप को थोड़ा डार्क कर दूं, मैं कुछ समझा रही हूँ, फिर मैं ये इरेज करके लेबलिंग दिखाऊंगी आपको. ठीक है, देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन हो गया, ये क्या है आपका राइट ऑरिकल, ये जो है ये क्या है लेफ्ट ऑरिकल, ये जो पूरा है ये है राइट वेंट्रिकल, और ये जो पूरा है ये है लेफ्ट वेंट्रिकल.
ठीक है। तो ये इन्होंने कर क्या रखा है, ये वाला जो रीजन है ना, इसको इन्होंने एक्चुअली ये ऐसे फोल्डेड है, इसको इस तरीके से खोल के दिखा रखा है कि इसकी कवरिंग हटा दी है, तो हमें ये दिख रहा है। अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर वन। अब नंबर वन देखो, जो ब्लड वेसल है ब्लू कलर की है, और ये कहाँ आ रही है, ये हमारा जो ये है क्या है, राइट ऑरिकल में एंटर करी है। तो राइट ऑरिकल में जो ब्लड वेसल एंटर करती है वो पूरी बॉडी से, सॉरी अपर एक्सट्रीमिटीज से ब्लड लेके आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, सुपीरियर। बहुत समझदारी से लेबलिंग करिएगा इसको, क्योंकि ना एग्ज़ाम में एक तो डायग्राम क्लियर नहीं होता, जो प्रिंटेड डायग्राम आता है वो क्लियर नहीं होता है, तो कुछ जगह आपको अपनी इमेजिनेशन भी यूज़ करनी पड़ती है, और ना समझ में आए तो वहाँ पे लिख दीजिए कि द डायग्राम इज़ नॉट क्लियर, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी दिस। प्लीज़ ये लिख देना, अगर आपको ऐसा कोई डायग्राम में कोई इशू फेस हो, डायग्राम क्लियर नहीं होता कई बार पेपर में, बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अब ये सुपीरियर वेना कावा हो गई, नीचे से जो आ रही है देखो ब्लू कलर की, ये हो जाएगी आपकी सबसे पहले ना वही लेबलिंग किया करो जिसमें कि आपको बिल्कुल श्योर हो कि नहीं यार ये तो 100% श्योर है। तो ये इन्फीरियर वेना कावा हो गई, ये हम श्योर हो गए। अब देखो नंबर टू क्या है, ये दो वेसल्स हैं जो कि रेड कलर की हैं, ये भी हैं दो वेसल्स, ये दोनों अब यहाँ दिख नहीं रहा कहाँ जा रही है, एक्चुअली दे आर एंटरिंग द लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या है, दोनों पल्मनरी वेन्स हैं, लंग्स से आ रही हैं प्योर ब्लड लेके, ये भी दोनों पल्मनरी वेन्स हैं। मैंने आपको बोला ना चार पल्मनरी वेन एंटर करती हैं, कहाँ पे एंटर करती हैं, लेफ्ट ऑरिकल में, टू फ्रॉम ईच लंग्स, दो पल्मनरी वेन आती हैं राइट लंग से, दो पल्मनरी वेन आती हैं लेफ्ट लंग से। तो ये क्या हो गई हमारी पल्मनरी वेन्स, ठीक है। इन्होंने इसकी लेबलिंग एक ही तरफ करवाई है, उस तरफ नहीं करवाई है, तो ये पल्मनरी वेन्स हो गई। अब देखो नंबर थ्री क्या है, नंबर थ्री आपको बता ही दिया था मैंने कि नंबर थ्री क्या है, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर फोर क्या है, नंबर फोर देखो ये एक, ये हमारा जो चेम्बर है ये पूरा, ये क्या है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। अब राइट वेंट्रिकल ना यहाँ पे इस वेसल में खुल रहा है, और वेसल कौन सी हमारी, ब्लू कलर की है, इसका मतलब कोई वेन है, बड़ी सी वेन है। तो अब ये कौन सी ब्लू कलर की वेसल है जो कि ब्लड को राइट वेंट्रिकल से बाहर लेके जा रही है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा है, ब्लू कलर की ब्लड वेसल में से जा रहा है, तो हमें पता है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो निकलता है वो इम्प्योर ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो लंग्स में जा रहा है प्योरीफाई होने के लिए। तो वो कौन सी वेसल है, वो वेसल होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी की वेन। कैसा ब्लड लेके जा रही है, इम्प्योर ब्लड, तो इट इज़ दी ओनली आर्टरी दैट इज कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मनरी आर्टरी है ये। अच्छा अब पल्मनरी आर्टरी है, सॉरी मैं तो कन्फ्यूज, मतलब नंबर फोर की बात करते मैंने वहाँ लेबलिंग कर दी। तो नंबर फोर क्या है, ये चीज़ है। अब ये चीज़ क्या है, ये कोई वैल्व है जो कि खुल रहा है, मैं इरेज कर देती हूँ कलर से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, देखो है ना। तो ये कोई वैल्व है जो कि ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो पल्मनरी आर्टरी में ओपन हो रहा है। तो किस वाल्व के थ्रू ओपन हो रहा है वो आपको लिखना है, तो आप या तो सिंपली पल्मनरी वाल्व्स लिख दीजिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री सेमिल्यूनर पॉकेट शेप्ड पल्मनरी वाल्व्स, वो भी लिख सकते हैं। ओके नंबर फाइव, अब नंबर फाइव क्या है देखो, ये है नंबर फाइव का, ये कौन सा वेल्व है जो कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, उसकी ओपनिंग को गार्ड कर रहा है। तो दिस इज़ योर ट्राई कस्पिड। आई होप आपको लेबलिंग में दिक्कत नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अब सेवन क्या है, सेवन इन्होंने सिंपली इस चेम्बर को मार्क किया है, तो ये आपका क्या है, दिस इज़ योर राइट, क्या है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारी यहाँ की लेबलिंग हो गई। अब हम इस तरफ चलते हैं, एट तो सब बच्चों को ये तो क्लियर ही होता है, ये वाली ब्लड वेसल एओर्टा है, ये तो सब बच्चे देख के बता देते हैं। नाइन्थ हमने पल्मनरी आर्टरी पहले ही मार्क कर ली। अब टेन क्या है, टेन देखो ये वाला चेम्बर है, ये आपको पता है ये कौन सा चेम्बर होगा, ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, इसमें ब्लड आ रहा है लंग्स से, किसके थ्रू, पल्मनरी वेन्स के थ्रू।
11, अब 11 के लिए हमें ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा. 11 क्या है एक्चुअली? 11 देखो ये चीज़ है, 11 इन्होंने क्लियर नहीं किया है. 11 ये चीज़ है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग है ना. यहाँ पे ब्लड निकल के जा रहा है, येलो से आपको नज़र आ रहा है? किस कलर से दिखाऊँ मैं आपको, ब्लैक से ही दिखाऊँ? देखो येलो एरोज बना रखे हैं इन्होंने कि ब्लड यहाँ से आया. देखो ब्लड का लिखा रखा है, यहाँ से आया ब्लड और यहाँ गया फिर यहाँ जा रहा है. इसका मतलब ब्लड जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के जा रहा है. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के कहाँ जा रहा है? एओर्टा में जा रहा है. किसके थ्रू जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ब्लड एओर्टा में? किसके थ्रू जाता है? कौन से वाल्व्स प्रेजेंट है वहाँ पे? एओर्टिक वाल्व्स. तो ये जो हैं ये अगेन, या तो आप सिर्फ एओर्टिक वाल्व्स लिख दीजिए या फिर आप थ्री सेमिलूनर पॉकेट शेप्ड एओर्टिक वाल्व्स लिख दीजिए, दोनों लिख दीजिए, दोनों में से कुछ भी करेक्ट. ठीक है, ये आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि किस चीज़ को ये सिग्निफाई कर रहे हैं. डायग्राम में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. ठीक है, अब नंबर 12. नंबर 12 जो है वो तो सिंपल है कि वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, उसकी ओपनिंग को जो गार्ड कर रहा है वाल्व्स उसकी बात कर रहे हैं. तो वो वाल्व्स कौन से हो गए? वो वाल्व्स हो जाएंगे आपके पाए. अच्छा, इसको थोड़ा सा थिन करो, ज़्यादा थिक है इसकी टिप. ये हो गया आपके पाए. मैंने आपको बताया था कि मेरा सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो आई एम यूजिंग एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम. तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, हैंग हो जाता है. ठीक है, तो प्लीज़ बेयर विद मी. तो ये हो गया बायकस्पिड वाल्व्स. ठीक है, बायकस्पिड वाल्व या बायकस्पिड वाल्व्स. ओके, नेक्स्ट इज अब नंबर 13. नंबर 13 तो सिर्फ एक चेंबर को इंडिकेट कर रहा है. ये क्या है आपका? अच्छा, सिर्फ वी क्यों लिखे? हम इसको लिखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल. पूरा आप लिखिए कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. ठीक है, अब नंबर 14 क्या है? देखो नंबर 14 क्या है, ये दोनों वेंट्रिकल्स के जो बीच का जो स्पेस है उसको लेबल करने को बोला है. तो ये एक्चुअली या तो वेंट्रिकुलर सेप्टम लिख दीजिए आप, या सिर्फ सेप्टम लिख देंगे तब भी यू विल गेट मार्क्स. ठीक है, तो ये आपकी लेबलिंग होगी, ध्यान से इसको करिएगा. मैंने बहुत स्लोली ये करने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आए. मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपको कोई पार्ट क्लियर नहीं है, तो आप एग्ज़ाम में ना लिख दीजिए कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बट इन दिस डायग्राम इट इज़ नॉट वेरी क्लियर. तो टीचर विल डेफिनेटली कंसिडर एंड गिव यू मार्क्स. ओके, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द हार्ट इज नॉट करेक्ट? इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. ये तो सही है. इट इज़ लोकेटेड द चेस्ट कैविटी एंड सराउंडेड बाई पेरिकार्डियम. ये भी सही है. इट हैज़ फोर चेंबर्स, अपर टू एट्रिया एंड लोअर टू वेंट्रिकल्स. ये भी सही है. इट इज़ 9 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 12 सेंटीमीटर इन ब्रेथ. ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इन्होंने इंटरचेंज कर दिया. 12 सेंटीमीटर होती है लेंथ, 9 सेंटीमीटर ब्रेथ. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है. तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा. डबल सर्कुलेशन इन्वॉल्व सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन. डबल सर्कुलेशन में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट, दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड बिटवीन हार्ट एंड द बॉडी ऑर्गन्स, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हार्ट एंड द लंग्स एंड हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. तो जो डी वाला ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, ये करेक्ट हो जाएगा. वी कैन नॉट फील आर पल्स एट इनर रिस्ट में फील होती है, टेम्पल में फील होती है, साइड ऑफ नेक में फील होती है, फोरहेड में. फोरहेड में हमें यहाँ पे अपनी पल्स फील नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट डैश इनिशिएट्स, फिल इन द ब्लैंक्स हैं. डैश इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स हार्ट बीट. हार्ट बीट को इनिशिएट करती है और मेंटेन करती है, दैट इज़ द एसए नोड. एसए नोड क्या है? इट इज़ अ बंडल ऑफ फाइबर्स, मसल्स होते हैं जो कि राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होती हैं, जस्ट जहाँ पे कि खुलती है जो दोनों आपके वेना कावा आती है ना, सुपीरियर वेना कावा, उनकी एंट्री के पास ही होती है ये एसए नोड. इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स द हार्ट बीट. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज पम्प्ड इनटू द राइट एट्रियम थ्रू द अपर पार्ट. से कौन किसके थ्रू आता है? इसमें आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप अपने आप ही लिख दीजिए सुपीरियर वेना कावा. ठीक है, नेक्स्ट. व्हेन द चेंबर्स ऑफ द हार्ट डैश दे गेट फिल्ड विद ब्लड. चेंबर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब ब्लड उसमें फिल होता है, या रिलैक्स होते हैं तब फिल होता है. देखो कोई भी चीज़ रिलैक्स होती है तब फिल्डअप होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें से चीज़ कोई निकलती है. तो व्हेन द चेंबर्स ऑफ द हार्ट रिलैक्स दे गेट फिल्ड विद ब्लड, एंड व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे पुश आउट द ब्लड.
द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश इज फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश. तो एक सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोनों, तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया इज फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस समय वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड होते हैं, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया रिलैक्स हो जाते हैं. एवरेज हार्ट बीट ऑफ एन अडल्ट पर्सन वाइल रेस्टिंग इज 70 to 80 बीट्स पर मिनट. हार्ट बीट डैश व्हेन डू एनी फिजिकल एक्टिविटी. हार्ट बीट कैसी होती है? इट इंक्रीजेस, इंक्रीज हो जाती है जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मेजर करता है? आपका बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है. और स्टेथोस्कोप क्या मेजर करती है? आपकी हार्ट बीट, पल्स. हार्ट बीट को फील करता है, मेजर नहीं करता, एक्चुअली फील करता है. वो स्टेथोस्कोप जो है वो फील करता है कि आपका हार्ट किस स्पीड में बीट कर रहा है. वी कैन काउंट इट. ओके, सो आई थिंक यहीं तक पढ़ाऊंगी मैं आपको कंडीशंस रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. आप इसी को ढंग से देखिए, एक बार तसल्ली से देखिए इस लेक्चर को, एंड प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड जो मैंने बोला है. कुछ भी आपको इशू आए तो डू लेट मी नो, आई विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू आउट. एंड आपको अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए. ओके, टेक केयर.